हवा बदलनी है तो सबसे पहले तो पेड़ लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। KFC सुना है, CFC नहीं सुना है, सॉरी। मैं कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में बैठा हूँ जो AC हॉल में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, which makes no sense. I don't really think I know about greenhouse gas. That's the thing. The cars and all the vehicles, they emit इतना सारा pollution, construction हो गई, crackers and then पराली जलाते हैं। Hi guys, I'm Sonakshi Kalra from ABP Live and today we are visiting two colleges of Delhi NCR. One is Maharaja Agrasen Institute of Management Studies और दूसरा है Sharda University. जैसे कि हम सबको already पता है that Delhi is notoriously known for its air quality. So Gail India Limited ने एक initiative start किया है called Hawa Badlo to talk about this issue and raise the awareness as much as possible among people. तो इसी के लिए आज हम कुछ college students से बात करने आए हैं to test their knowledge around environmental awareness. So let's get together for clean air by leading a lifestyle for environment. Let's go. What is the full form of AQI? No, I don't know. I really don't know. नहीं पता मेरे को. AQI नहीं पता. I think it's air quality index. वो air index करके कुछ होता है. Air quality index. What is the meaning of carbon footprint? ये नहीं पता. नहीं. No. That too I don't know. जितना एमिशन कोई भी इंडस्ट्री कार्बन का करती है उसको कार्बन फुटप्रिंट्स में वी कैन कंसिडर। आई गेस ये कार्बन एमिशंस है जो फैक्ट्री से निकलती हैं, बेसिकली प्रदूषण जो फैक्ट्री से निकलता है। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं कि कोई कितना एमिशन जो हो रही है वो कोई बंदा पर्टिकुलरली कितना उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कार्बन फुटप्रिंट। कितना कार्बन आप एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हो वो कार्बन फुटप्रिंट होता है। हाँ, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं वो करते हैं वो तो। Is oxygen a greenhouse gas? True or false? No, no. No. No, it's carbon dioxide. No, हम सांस लेते हैं तो वो I don't think so कि that's a greenhouse gas. No. No? पक्का? No. No. It is not a greenhouse effect. Is carbon dioxide a greenhouse gas? True. False. आप मुझसे पूछ रहे हो मुझे बताएं। False. I don't really think I know about greenhouse gas. That's the thing. Yes, carbon dioxide is a greenhouse gas. Yes, of course it is. हाँ वो तो होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं है। हाँ है, है है ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड अ ग्रीनहाउस गैस? यस। कॉन्फिडेंट? पक्का? पक्का। CFC पढ़ा था कभी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? CFC। या CFC। कार्बन फ्लोरो। KFC सुना है? CFC नहीं सुना है, सॉरी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। या पक्का। डू यू थिंक DO यूज करने से या एयर कंडीशनर्स यूज करने से एयर क्वालिटी पर फर्क पड़ता है? आई गेस DO यूज़ करने से येस पड़ता है, बिकॉज वैन यू स्प्रे इट गेट्स लाइक स्प्रेड इन दी एटमोसफेयर। नहीं नहीं नहीं, बस आग नहीं लगाना चाहिए DO में। आई गेस एयर कंडीशनर्स वगैरह से तो पड़ता है, पर डिओड्रेंट्स का आई एम नॉट श्योर कि पड़ता है, लाइक 50-50। जब भी आप एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, अगर आप अंदर का टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो, बाहर आप उतनी हीट पास कर रहे हो, जितना बाहर सराउंडिंग एरिया में हीट बढ़ेगी उतना ही आपका जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स में असर पड़ता है। आप कमरे में यूज़ कर रहे हो, अगर DO यूज़ भी कर रहे हो बाहर थोड़ी करोगे, कमरे में आपकी एयर क्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC भी नहीं यूज होने चाहिए, बट बिकॉज क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है, इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है तो करना ही पड़ता है ना चाहते हुए। मैं तो परफ्यूम यूज करता हूँ, DO करता ही नहीं। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। DOs तो फिर भी एरोसोल स्प्रेज हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी है। स्टिल मैं ज़्यादातर परफ्यूम्स ही यूज़ करता हूँ DOs से ज़्यादा। मैं कई सारे कॉन्फ्रेंसेज में बैठा हूँ जो AC हॉल में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, विच मेक्स नो सेंस। तो ACs हम कम यूज़ करना चाहिए। एयर क्वालिटी पे आई गेस जब एयर कंडीशन इंट्रोड्यूस हुए थे तब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते थे एंड उससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती थी, बट अब नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। Private commuting better than public transportation when it comes to air quality? No. Equal pollution दे रहे हैं दोनों। Public transportation ज़्यादा better है transport में, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को carry करता है। No, public transport आ better। आप कैसे आते हो college? Public रिक्शा। मैं तो PG में रहता हूँ, चल के आता हूँ। I guess public, like the government is also introducing the electric buses and everything. Private थोड़ा कम, because it causes traffic as well, pollution and everything. Private convenient है कि जब चाहो निकल जाओ। अभी क्या है कि अभी बस का वेट करते रहो तो उसका वैसे कोई रिजिड टाइमिंग्स नहीं होती है, वो अपने हिसाब से चलती है। या इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन आल्सो। अगर आप कार पूल कर रहे हो देन प्राइवेट इज बेटर, बट अगर आप अकेले जा रहे हो देन यूजिंग योर पर्सनल कार इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, यू शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग एयर क्वालिटी एज एन इंडिविजुअल? हवा कैसे बदलोगे? हवा बदलनी है तो सबसे पहले तो पेड़ लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, उसके अलावा प्लास्टिक कम बर्न कर सकते हैं,
और CNG पे स्विच कर रहे हैं काफ़ी लोग अपने व्हीकल्स को लेकर, तो फिर वो भी अच्छा ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल चिमनीज में फिल्टर्स लगा करके बाकी CNGs का कंसेप्ट जैसे हमें पता ही है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स वी कैन टेक टू रिड्यूस देम। मैं प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज वो हमारे लिए भी हार्मफुल होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी, स्पेशली जो नेचर में जो चीज़ें हैं जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी। Yeah, planting of trees is really, because the trees actually gives us natural air which is really good for our health. सपोज 5 किलोमीटर हमें जाना है फिर भी हम यूज़ करते हैं अपने कार्स व्हीकल जो भी होता है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसके लिए वही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोगों को कहीं पास में ही जाना है तो हम लोग जैसे बाइक उठा लेते हैं तुरंत, या फिर तो उसके जगह पैदल चलिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, मेट्रो का यूज़ करिए, पैदल चले जाओ या साइकिल पर चले जाओ। कई बार होता है गेट अ कंपनी फॉर योरसेल्फ, किसी दोस्त के साथ चले गए बातें करते रहते रास्ते कट जाते हैं। I try and save water, I try and save electricity. Like if I have to go somewhere close by, मैं साइकिल से निकलता हूँ या मैं स्केटिंग करके निकलता हूँ नका वका पहन के, जितना हो सके at least from my part, I try and do as much as I can. So guys, what do you think? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? So I think today we should all take a pledge to do something to improve the air quality around us. Maybe like planting a tree, maybe like switching to better fuel alternatives, maybe like walking instead of driving for shorter distances. और ऐसे ही और ideas अगर आपके पास होना तो हमें comment section में ज़रूर बताइएगा. So let's get together for clean air by leading a lifestyle for environment. And stay tuned to Hawa Badlo, an initiative of Gail India Limited.